हेलो मेरे प्यारे फूडीज, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मेरी फेवरेट, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, इमली की खट्टी मीठी चटनी। अगर आपने आज मेरे तरीके से इमली की खट्टी मीठी चटनी बना ली तो मैं दावा करती हूँ कि आप और चटनी खाना भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है और पूरी, पराठा, समोसे, टिक्की, नान किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए इसकी थिकनेस, ये देखिए। तो आप एक बार अपने घर में जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से इमली की खट्टी मीठी चटनी। हेलो एवरीवन, मैं आराध्या और आपका स्वागत है मेरी किचन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे बाउल में इमली ली है, मैंने इसको 2 घंटे से भिगो के रखा था। तो ये देखिए ये भीग चुकी है, अच्छे से फूल भी गई है। मैं इसको हाथों से अच्छे से मीड लेती हूँ इस तरीके से, ताकि जो इमली का पल्व है ना वो अच्छी तरीके से पानी में आ जाए। इस तरीके से इसको अच्छे से मैश करते हुए इमली का हम सारा पल्व निकाल लेंगे इस तरीके से। बहुत ही आसान है। तो ये लीजिए, मैंने सारा निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, स्ट्रेनर में इसको छान लेना है। तो मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के ऊपर स्ट्रेनर में मैं इसको डाल देती हूँ। तो मैंने इसको सारे को डाल दिया है। अब जो थोड़ा सा बचा है ना, मैं इसमें पानी हिला के डाल देती हूँ इस तरीके से। अब हमें इसे क्या करना है कि चम्मच से इसको दबाते हुए इसका सारा पल्प निकालना है। बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आपको बिल्कुल भी मिक्सी में पीसने का कोई झंझट नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो मैंने इसको अच्छे से पल्प निकाल लिया है। मैं क्या करूँगी, कटोरी पानी डाल देती हूँ ताकि जो थोड़ा बहुत पल्प है ना वो भी निकल जाए। इस तरीके से इसको दबा दबा के सारा निकाल लें इस तरीके से, ये देखिए। तो हमने सारा निकाल लिया है। ये देखिए इमली का कितना गाढ़ा पल्प निकला है बिना मिक्सी में पीसे हुए। हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब मैंने इसके ऊपर एक पैन रख दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच तेल, आप तेल का यूज ज़्यादा ना करें। 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। अब जीरा हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है। तो ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ये देखिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पल्प, तो मैंने डाल दिया है। हम पहले इसको अच्छे से मिला लेते हैं इस तरीके से। फ्रेंड्स यकीन मानिए, बहुत ही टेस्टी लगती है इमली की खट्टी मीठी चटनी। मैंने 2 चम्मच सॉल्ट पाउडर डाला है, 1 चम्मच डाला है मैंने रेड चिली पाउडर। इससे क्या होगा, जो इसका टेस्ट है ना, एक तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और जो ये रेड चिली पाउडर है इससे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मुझे थिकनेस ज़्यादा लग रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें। तो मैं इसमें डाल देती हूँ 1 छोटी कटोरी पानी। अब इसको मिला लेती हूँ। अगर आपकी इमली का पल्प थोड़ा पतला हो तो आप पानी का यूज़ ज़्यादा ना करें, वरना क्या होगा, जो आपकी चटनी है ना थोड़ी पतली बनेगी। तो मैंने इसको अच्छे से मिला दिया है। अब मैं इसमें डालूँ 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर है, 1 चम्मच डाल रही हूँ काला नमक, 1/2 चम्मच डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। अब हम इन्हें भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो मैंने इनको अच्छे से मिला लिया है इस तरीके से। आप इसकी थिकनेस और कलर देख ही सकते हैं। जब शादियों में बनती है ना सौंठ, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज बिल्कुल वैसे ही बनने जा रही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये 150 ग्राम गुड़ है, तो मैंने इसको चाकू से थोड़ा क्रश कर लिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। गुड़ को मेल्ट होने में 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। तो हम इसी तरीके से इसको हिलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच चीनी, ये 3 चम्मच है। इससे क्या होगा, जो गुड़ और इमली का टेस्ट है ना उसको इन्हेंस करेगी चीनी। तो हमने इसको मिला दिया है। अब मैं इसमें डालें जो नमक का यूज़ करते हैं ना, वो 1/2 चम्मच डाला है। थोड़ी सी डाली है मैंने हींग, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ किशमिश, अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर दें।
मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़े से बादाम है, मैंने चाकू से कट कर लिया है, तो मैंने इनको डाल दिया है। मैं इनको भी अच्छे से मिला लेती हूँ। अगर आपको कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, विदाउट ड्राई फ्रूट बना सकते हैं। खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल वैसी टेस्टी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि ड्राई फ्रूट डालने से ही टेस्टी होगी। तो ये देखिए हमारी खट्टी मीठी चटनी बन चुकी है। मैंने इसमें डाला एक चम्मच खरबूजे के बीज, हम इसे मगज भी बोल सकते हैं। आप इसका यूज़ बिल्कुल बाद में करें जब आपकी चटनी बिल्कुल रेडी हो जाए। तो चटनी हो गई है रेडी, अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। अब हम इस चटनी को ना पहले थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि ठंडे होने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी हो गई है बिल्कुल ठंडी, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो मैं इसे निकाल रही हूँ बाउल में। तो ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी जो हम शादी में खाते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल हो गई है रेडी। तो खट्टी मीठी चीज़ को देख के तो पहले ही मुँह में पानी आ जाता है। तो ये देखिए इसकी थिकनेस बहुत ही टेस्टी है। तो आप इसे पूड़ी, पराठा, नान, समोसे, टिक्की, चाट किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी है, तो आप ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से इमली की खट्टी मीठी चटनी। मैं दावा करती हूँ आप होटल और हलवाई की चटनी खाना भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है। आप इसे पूड़ी के साथ, पराठे के साथ खूब अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत पसंद आएगी, आप चटकारे लगा लगा के खाएंगे, और चाट के साथ तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप एक बार इस तरीके से बनाइएगा चाट के साथ और अपने बच्चों के साथ इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।